अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे मैं आज आप लोगों को फ्रिज की डीप क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ वो बताऊँगी। और पहले सुबह मतलब जो साफ सफाई रहती है ना वो मैं करके ले रही थी। और ये संडे का दिन था, संडे के दिन मतलब छुट्टी रहती है ना बच्चों को, तो मेरी ऐसी रूटीन रहती है संडे की साफ सफाई की वगैरह एक्स्ट्रा की। मैं जो साफ सफाई रहती है वो संडे के दिन मतलब हर एक एक मतलब ये पूरा करती हूँ। कभी संडे को मतलब फ्रिज की हो गई, अगले संडे को कुछ और हो गया, उसके अगले संडे को कुछ और हो गया, ऐसे मैं साफ सफाई करती हूँ। तो अभी मैंने पूरी पहले डस्टिंग करके ली हूँ। अभी मैं जो बेडशीट वगैरह था ना वो जो मेसी हो जाता है ना, इधर उधर बच्चे करते रहते ना बेड पे, तो पहले सीधे करके ले रही हूँ। और बच्चे देखो भाग कर चले गए बाहर। सीरत कुछ तो वहाँ पे ना अपना वो भाषण है ना, कुछ तो उसका स्पीच उसको लर्न करनी है ना, वो कैमरे के सामने कैमरा ऑन होते ही उसको अचानक से कुछ क्या हो जाता है क्या पता, कुछ भी बड़बड़ने लगती है। तो जो स्पीच उसको दी थी ना मैंने, तो वो बड़बड़ रही थी कुछ तो सामने आके, मेरा भी उतना कुछ मतलब ध्यान नहीं था। और यहाँ पे देखो ये इसके ऊपर मेस देखो कितना करके रखा है बच्चों ने। रोज मैं इतना मेस है ना पूरा अच्छा करती हूँ, वापिस ऐसे करते हैं, तो रोज का मेरा ये डेली का काम है। और मुझे घर जरा भी गंदा नहीं पसंद है, इसके लिए ना मैं रोज है ना जितना हो सकेगा उतना है ना घर क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। और मेरे माशाल्लाह से बच्चों को भी मैंने वही आदत मतलब लगाई हूँ जिधर की चीज़ उधर रखने की। इसके वजह से कैसे अपने को भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते और बच्चों को भी वो आदत मतलब लग जाती है इसके वजह से। तो अभी यहाँ पे सब मैं ना अच्छे से ना वो वहाँ का निकाल कर है ना मशीन के ऊपर का ये सब थोड़ा सा पोंछ कर वगैरह ले लूँगी मशीन। और है ना ये जो इधर आप लोगों को बड़ी वाली जो थैली दिख रही है ना, इसमें कुछ कुर्ती अल्टरेशन को मेरे को आए थे तो वो मैं अल्टरेशन कर रही थी। और शहर देखो अभी तक ये फ्रेश होना बाकी है शहर, तो अंदर बाहर कुछ तो कर रही थी। संडे के दिन कैसे एक्स्ट्रा क्लीनिंग में क्यों निकालती हूँ कि संडे के दिन कैसा जल्दी जल्दी टिफिन बनाने की वगैरह मतलब कुछ जल्दी नहीं रहती है, बच्चों की स्कूल का ऑफ रहता है, इसके लिए मैं आराम से एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। और ये यहाँ पे टेबल जो मेरा कबर्ड है ना बच्चों का, उसके ऊपर जो मैं कुछ भी कपड़ा वगैरह जो बिछाती हूँ ना, क्योंकि उसके ऊपर डस्ट आ जाती है, खिड़की के पास ही है, दरवाज़ा भी पास में है, खिड़की भी पास में, तो बहुत सारा है ना डस्ट उसके ऊपर बैठ जाता है। तो उसके ऊपर मैं कुछ भी बिछाती हूँ और फिर उसके ऊपर वो बाकी का सब सदके का डब्बा वगैरह जो है ना वो सब रखती हूँ। तो वो अभी निकाल कर मैंने शहर के पास धोने के लिए दे दी और फिर मैं अभी ये बाहर से ऊपर से सब अच्छे से ना पोंछ कर ले लूँगी। ऐसे तो मेरी रोज़ की भी एक क्लीनिंग रहती है, लेकिन अभी चलो बोली सब क्लीन कर ही रही हूँ तो वो भी क्यों मतलब छोड़ देने का ना, तो मैंने अभी इसमें से इसका दूसरा वाला कपड़ा निकाली कबर्ड में से, तभी मैं वापस से इसको अच्छे से ना उसके ऊपर बिछा कर रख दूँगी। और है ना सब उसका जो सेटिंग थी ना पहले जैसी, मतलब सदके का डब्बा वगैरह सब उसके ऊपर जो जो चीज़ रहती है ना वो सब उसके ऊपर रख कर मैं अच्छे से ना उसको ये कर दूँगी। जैसी उसकी सेटिंग थी ना तो वैसे ही मैं पूरी सेटिंग उसकी कर दूंगी। और बच्चे देखो अंदर बार कर रहे थे, तो यहाँ पे कबर्ड को भी मैं अच्छे से ना पोंछ कर ले लूंगी। और ये रोज का ही मेरा काम रहता है, और तो मैं इसको मतलब ज़्यादा इतना डीपली नहीं करूँगी, इसको ऐसी ही मैं पोंछ कर रख दूंगी। और यहाँ पे अभी जैसी थी सेटिंग वैसी मैं करूँगी। वो अभी तक है ना मुझे अल्टर करनी है कुर्तीज, तो अभी जगह नहीं इसलिए मैं उसको फिलहाल वही रख दूंगी, क्योंकि कबर्ड में भी जगह नहीं, कबर्ड में हमारे ही कपड़े। मैं भी अभी तक फ्रेश होना बाकी थी, तो मैंने सोचा कि फ्रेश होने से पहले ये सब कर मतलब कर लेती हूँ, नहीं तो कैसे पूरी डस्ट फिर ऊपर वापस से ये हो जाती है ना, तो इसलिए पहले ही मैंने ये सब कर लिया था। और अभी यहाँ पे है ना मैं जो मेरे अंदर का और बाहर का डोर है ना वो भी अच्छे से पोंछ कर ले लूँगी।
और ये जो चौकट वगैरह है ना, ये भी अच्छे से है ना मैं पोंछ कर ले लूँगी, क्योंकि इसका कलर है ना लाइट है थोड़ा, मतलब स्काई ब्लू लाइट है, तो कैसे आते जाते बच्चों के हाथ वगैरह लग जाते तो काले दाग वगैरह गिर जाते हैं। इसके लिए इसको अच्छे से ना मैं गिल्ला जो कपड़ा है ना उससे ना वॉश करके ले रही हूँ। और यहाँ पे बच्चे ना सता रहे कुछ, तो इसलिए मैं उनको चिल्ला रही थी। और ये थोड़ा धूप का है ना इफेक्ट है ना, अंदर बाहर थोड़ा हो रहा है। और देखो अच्छे से मैं ना इसको अभी पोंछ कर ले रही हूँ गिल्ले कपड़े से, और जो भी दाग थे ना वो सब निकलेंगे अभी अच्छे से, और क्लीन क्लीन दिखेगा। और ऐसी साफ सफाई मतलब हफ्ते में एक बार तो आप लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है बोला क्या, फिर घर है ना बहुत गंदा गंदा नहीं दिखता है। देखो ये देखो, देखा आप लोगों ने कैमरे के सामने कैसे करती है, जानबूझकर है ना कैमरे के सामने ना बार बार आकर खड़ी रहती है। और आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ी बारिश की आवाज़ आ रही रहेंगी, क्योंकि क्या है मालूम है ना बारिश बहुत ज़ोर ज़ोर से हो रही है यहाँ पे, और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी बारिश बहुत ज़ोर ज़ोर से हो रही है। और अच्छे से मैंने अभी ये डोर को है ना क्लीन कर ले लिया, अभी मैं बाकी के बाहर वाला भी डोर अभी क्लीन करूँगी। अभी यहाँ पर थोड़ा सा मेरा हाथ ऊपर तक नहीं जा रहा था, तो थोड़ा मैंने स्टूल लेकर है ना ऊपर का क्लीन किया अच्छे से। ये अंदर का डोर होने के बाद अभी मैं बाहर का डोर अच्छे से क्लीन करके ले लूँगी। और नीचे आप लोगों को कचरा वगैरह सब दिख रहा रहेगा, क्योंकि अभी तक मैंने जो मतलब डस्ट वगैरह सब निकाली थी, बच्चों ने कागज वगैरह फाड़ कर पूरा गंदा किया था, वो सब है ना खेल रहे थे वो दोनों, तो अभी तक मैंने झाड़ू वगैरह नहीं मारी हूँ। तो अभी पूरा होने के बाद ही मैं बोली अभी एक साथ में ही सब झाड़ू मारेंगे, तो पहले मैं यहाँ पे है ना अच्छे से डोर वगैरह ये सब पोंछ कर ले रही हूँ, क्योंकि ये तो बाहर का मेन डोर है, तो इसकी वजह से ये तो बहुत ही गंदा हो जाता है, क्योंकि रास्ते पे ही मेरा घर है, रास्ता नज़दीक है, तो बहुत है ना धूल मिट्टी आ जाती है। तो अभी ऊपर चढ़ के ना अच्छे से मैं क्लीन करके ये ले लूँगी सब, यहाँ पे भी चौकट वगैरह सब अच्छे से क्लीन करके ले लूँगी। आप लोग देख सकते हो ये कितना, देखो मतलब इतना मैं क्लीन रखती हूँ फिर भी देखो मिट्टी इतनी उड़ जाती है ना यहाँ पे, तो क्या पूछो हिम्मत है। देखो कितना है ना ब्लैक ब्लैक पूरा हो चुका है। देखो अभी मैं अच्छे से इसको है ना साफ मतलब ये जो कपड़ा है ना गिल्ला कपड़ा, इससे अच्छे से पहले पोंछ कर ले लूँगी, सब निकाल के ले लूँगी, और आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ कितना ये वाइट वाइट निकलेगा। देखो कितने उसके ऊपर दाग गिरे, और एक साइड मैंने उधर की पोंछी है, तो देखो कितने अच्छे से ना वो मतलब जो उसका कलर है ना वो ही मतलब दिख रहा है उसके अंदर। और ये नीचे क्या स्टिकर, पहले जो मतलब भाड़ू थे उन्होंने क्या लगाया था क्या मालूम, वो जा ही नहीं रहा है कितना भी उसको ये किए तो। तो अभी देखो कितना अच्छे से है ना अभी मैंने उसको पोंछा, तो देखो कितने अच्छे से ना मैंने वो निकल गया। और ये कपड़े को है ना मैंने अच्छे से ना पहले वॉश करके फिर इसको अच्छे से डिटर्जेंट के पानी में से डुबो के, थोड़ा सा फिनेल के पानी में डुबो के फिर इसको पोंछ रही हूँ, इसके वजह से जल्दी है ना दाग धब्बे वगैरह सब है ना अच्छे से ना निकल रहे हैं। और देखो अभी कितना क्लीन हो गया है, देखो पहले कैसा कलर था उसका, और अभी देखो कलर पूरा चेंज हो गया, और अभी ऊपर की साइड हो गई, अभी मैं नीचे की साइड पूरी कंप्लीट करके ले रही हूँ। और अभी मेरे दरवाजे का लुक देखिए आप, पहले दरवाजा कैसा था और अभी देखो कैसा अच्छा माशाल्लाह से चमक रहा है। पर मैं जो भी डस्ट नीचे था ना सब कचरा वगैरह है ना सब अच्छे से ना झाड़ू मारकर ले लूंगी। अभी अंदर का होने के बाद है ना बाहर है ना मैं अभी ये जो सामने की विंडो दिख रही है ना वहाँ का थोड़ा क्लीन करके ले लूँगी, क्योंकि ये बाहर रहने के वजह से ना कितना भी आप लोग क्लीन करो इसके ऊपर डस्ट मतलब गिर ही जाता है। रोज़ मैं उसको पोंछती हूँ लेकिन रोज़ उसके ऊपर डस्ट मतलब अगर अभी पोंछेंगे ना तो दूसरे दिन देखेंगे ना वापिस है ऐसे डस्ट रह जाता है, तो अभी इसको भी है ना मैं पोंछ कर ले लूँगी अच्छे से। Thank you.
अभी जैसा आप लोगों ने देखा है, अभी मैं बाहर के सब क्लीनिंग करके अभी फ्रिज क्लीन करने आ चुकी हूँ। और फ्रिज अभी मैं बाहर से वगैरह है ना थोड़ा सा पोंछ कर ले रही थी, और यहाँ पे एक कॉकरोच मेरे को दिख गया था, इसलिए मैं स्प्रे थोड़ा सा मार रही थी इसके ऊपर। और अभी मैंने पिन वगैरह लेकर है ना इसको है ना थोड़ा सा हिलाकर, अभी ये रोज कैसे हम लोगों को फ्रिज वगैरह निकालने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता, तो पीछे से वगैरह अच्छे से मैं पोंछ कर ले लूंगी। और हमेशा ध्यान रखना फ्रिज क्लीन करने से पहले स्विच ऑफ करके उसकी पिन वगैरह सब निकाल के ले लेना, और फिर ही मतलब तुम्हारा फ्रिज क्लीन करना। तो अभी मैंने सब निकाल दिया, पीछे पहले झाड़ू वगैरह सब मारूंगी पीछे का, रोज तो मैं मारती हूँ, लेकिन फ्रिज पूरा निकाल के ऐसे 15 दिन में एक बार है ना फ्रिज जब मेरा क्लीन होता है ना तब मैं ये करती हूँ। तो देखो पीछे से अभी मैंने फ्रिज को क्लीन कर दिया, अभी मैं इसकी जगह पर इसको फ्रिज को ढकेल दूंगी वापस, और फिर जगह पर लगाकर मैं पूरा फ्रिज है ना अंदर से क्लीन कर दूंगी। और आप घड़ियाल में देख सकते हो सुबह के 10:30 कुछ तो बजे थे, और बाकी का मेरा काम थोड़ा सा होना बाकी था। तो अभी ये मैं फ्रिज का पहले काम कर लूँगी। और ये देखो ये बीच बीच में आ रही थी एंजल, उसको है ना अभी कैसे चलने लगी है, घर का रास्ता पता है तो बीच बीच में ना आ जाती है। तभी बीच बीच में आ रही थी तो शहर को मैंने बोली थोड़ा सा उसको ले यहाँ पे, कैसा भी कचरा वगैरह नीचे है ना गिरा हुआ इतना सारा, वो किधर तो मुंह में डालेगी ना, छोटा बच्चा है उसको कुछ समझता नहीं, इसलिए शहर को बोली मेरा काम होने तक तो उसको घर पे ले जाकर छोड़ कर आ थोड़ा सा बोलकर। आप लोगों ने देखा होगा शहर कैसे बीच में से टॉवल लेकर नाच रही है, बच्चे में ना इसी टाइम पर है ना बहुत परेशान करते, कितना भी लोग को बोलो एक जगह पे रहो, कचरा वगैरह है पैर को लग जाएगा। अभी मैंने बाहर का कचरा पूरा क्लीन कर रही हूँ, तो अभी है ना अंदर बाहर करके ना पूरा भी बाहर का भी गंदा करके दे देंगे, ऐसे ही ना सताते रहते, छुट्टी के दिन है ना बहुत परेशान करते हैं लोग। तो अभी मैं ना नीचे का पहले ना सब है ना साइड में करके ले लूंगी जो भी है वो, और उसका नीचे का जो था वो हिस्सा मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। तो अभी है ना ये धोने के लिए मैं डाल दूंगी उसका हैंडल कवर। तो अभी ये बाकी का अंदर से ना जो जो उसमें का जो सामान है ना पहले उसको निकालूंगी, फ्रिज को पूरा खाली करूंगी। अभी मैं इसका ये सब है ना यहाँ का निकाल कर ली हूँ, और अभी सब यहाँ का अच्छे से पोंछ के मैं क्लोरीन से ही पोंछ रही हूँ, उसे ना अच्छे से जिससे जिड्डी दाग सब निकल जाते हैं, और सब मैं अच्छे से ये पोंछूंगी। अभी ये कपड़े से एक बार पोंछूंगी, और बाद में दूसरे कपड़े से अच्छे से पोंछूंगी। और आपको तो वीडियो में क्लीन ही लग रहा होगा, वैसे तो क्लीन ही था लेकिन बहुत दिन से मैंने डीप क्लीन नहीं की थी ना, क्लीनिंग नहीं की थी, इसलिए ना कर रही हूँ। तो ये जिद्दी से जिद्दी दाग है ना क्लोरीन निकालने में आपकी मदद करेगा। और ये कपड़े से पोंछने के बाद दूसरे एक कपड़े से वापस मैं पोंछ कर ले लूँगी अच्छे से अच्छे, जो मतलब अंदर से अंदर तक जिधर तक कपड़ा जाता है ना उधर तक पोंछ लेने का, और जिधर तक नहीं जाएगा वहाँ पर टूथपिक का जो ब्रश रहता है उससे पोंछने का। अभी देखो ये कितना क्लीन हो चुका है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ही कुछ तो बाकी था वो निकल नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पे स्क्रब का इस्तेमाल किया है। अगर आपको कभी मतलब लगा कि जो जिधर जिद्दी दाग है वो नहीं निकल रहा, तो थोड़ा सा आप स्क्रब का यूज़ किए तो चलेगा वहाँ पर, थोड़ा सा स्क्रब फिराने का, और फिर बाद में उसके ऊपर से ना जो आप कपड़े से पोंछ रहे थे वो कपड़ा है ना उसके ऊपर अच्छे से पोंछ कर लेने का वो कपड़े से, तो क्लीन हो जाता है। एक आध दूसरे ऐसे दाग रहते हैं देखो जिद्दी, वो निकलते नहीं झट से, तो आप लोग ये वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ट्रिक अच्छे से स्क्रब करने का और पोंछ कर ले लेने का।
से ही मैं सारा अभी है ना क्लीन करके अच्छे से ना फ्रिज मेरा ले लूँगी दो दो कपड़े से, एक मतलब जो कपड़ा मतलब वापिस से और दूसरे कपड़े से अच्छे से पोंछ कर ले लूँगी। कॉलिन से ही आप लोग पोंछ कर ले लेना अच्छे से ना, कॉलिन से सब दाग निकल जाते हैं। और मैं अंदर के अभी क्लीनिंग कर रही थी और यहाँ पे ना थोड़ी जिद्दी दो तीन दाग थे तो मैं थोड़ा सा स्क्रब का यहाँ पे यूज़ कर रही थी और स्क्रब से जल्दी निकल जाता है इसलिए स्क्रब अभी मैं थोड़ा सा ये करके ले लूँगी। और ये सादा अपना जो बर्तन का स्क्रब रहता है ना वो है, तो उससे अच्छे से ना मैं उसको ये कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी और फिर कपड़े से पोंछ कर ले लूँगी, दो दो कपड़े से पोंछूँगी। और अंदर की भी साफ़ सफाई मैं ऐसे ही करती हूँ। अभी पूरे दरवाज़ा मेरा क्लीन हो गया, अभी अंदर का मैं क्लीन करके ले रही हूँ। तो आप लोग आगे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। और ये देखो आइस के इसमें ना बर्फ़ इतना जमा था, और ये देखो ये भी है ना मैं अच्छे से यहाँ का क्लीन करके ले चुकी हूँ। तो अभी मैं सब सामान अभी थोड़ा थोड़ा रख कर ले लूँगी इसके। अभी ये देखो क्लीनिंग मेरी कितने अच्छे से हो गई है, फ्रिज मेरा डन हो चुका है। अभी मैं इसमें का सब सामान लगा कर ले लूँगी, आप लोग देख लो। और ये जो अभी साइड का मैंने निकाला था ना वो अच्छे से मैंने क्लीन करके ले लिया है, अभी वो मैं वापस से उसमें फिक्स कर दूँगी। और ये अगर किसी को पता नहीं होगा ना कि फ्रिज का ये निकलता है तो ये आप लोग देख लेना, ये निकलता भी है, ये वॉशेबल है, आप लोग वॉश भी कर सकते हो वापस से दोबारा उसमें फिट भी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर घान है ना उसके अंदर चली जाती है ना हमारी तो निकलती नहीं है। ये मुझे भी नहीं पता था, मेरी एक फ्रेंड ने ना मुझे बताया कि ये निकलता है, तो तब से मैं ना उसको निकाल के ही है ना मतलब है ना वो अच्छे से क्लीन करती हूँ, तो कैसे फिर कॉकरोच वगैरह कुछ ऐसे मतलब होने का डर नहीं रहता है, इसके लिए ये अच्छे से क्लीन करके ले लेने का। और मेरा अवतार आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मैं अभी तक मतलब फ्रेश होना बाकी है, इसलिए मैं जैसी थी वैसी ही मैं क्लीनिंग को बैठ चुकी हूँ, क्योंकि वापस बाद में फ्रेश होने के बाद में डस्ट वापस से अंग के ऊपर गिर जाती है तो अच्छा नहीं लगता, इसके लिए ये अभी अच्छे से मैंने फिक्स कर दिया। और अभी सब सामान आहिस्ता आहिस्ता एक 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 इसके पहले ट्रे वगैरह सब लगा कर ले लूँगी, सब इसके प्लेट्स वगैरह रख कर ले लूँगी और फिर सामान पूरा सेट करूंगी। ट्रे रखते ही मैंने उसके ऊपर उसके मैट भी बिछा कर रख दिए, मैट को भी मैंने अच्छे से वॉश करके सुखा कर ले लिया था, सब चीज़ों को अच्छे से मैंने वॉश करके सुखाया था, नीचे की सब्जी की ट्रे वगैरह उसकी सब है ना अच्छे से मैं रख कर ले लूँगी। और मैट बिछाने से क्या होता है कुछ भी अपने वो कांच के ऊपर है ना फ्रिज के गिरते नहीं और दाग नहीं रहते, मैट उतना ही आप लोग क्लीन कर सकते हो, इसके वजह से ना फ्रिज बहुत क्लीन लगता है, क्लीन और नीट लगता है। ये है ना मस्ट बाय है, आप लोग भी जरूर बाय कर। और जो कलर के डब्बे रहते हैं ना ये मैं ऐसे छोटे से इसमें रखती हूँ, क्योंकि कलर वगैरह इधर उधर है ना डिब्बों में से मतलब किधर हिलता नहीं है, और कलर विलर पूरे इसमें मतलब किधर भी फैलता नहीं है। और ये सॉसेस के बॉटल वगैरह सब अच्छे से पोंछ कर रख दूंगी, सॉसेस का सेक्शन इधर नीचे है, मैं बाद में आप लोगों को दिखाई दूंगी। और सब अभी जो ये बर्निया वगैरह जो जो है मसाले के वगैरह ये सब अच्छे से ना पोंछ कर मैं अच्छे से यहाँ पर है ना रख दूंगी एक और एक चीज़। और ये देखो गड़बड़ में कुछ भी करने जाओ ना कुछ तो हो जाता है, आपको नीचे लादी पे दिख रहा होगा ये मेरे हाथ से ना एसेंस था मेरे पास वेनिला एसेंस, उसकी बॉटल गिर गई तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा काम वापस डबल हो गया। तो अभी मैं पोंछ रही हूँ ये सब पोंछ कर है ना रख रही हूँ। और ये थोड़ा सा सब सॉसेस वगैरह है ये सब है, ये थोड़ा सा पानी की बोतल वगैरह है, सब अच्छे से ना पोंछ कर मैं सब रख रही हूँ। और सब डिब्बे भी अच्छे से ना पोंछ कर रख दूँगी। ये देखो यही वेनिला के एसेंस की बोतल गिर गई मेरे हाथ से, इसके वजह से उसका सब वो जो था ना वे एसेंस वो है ना हर डिब्बों के ऊपर से ना थोड़ा 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 गिर गया, इसके वजह से सब मेरे को अच्छे से ना पोंछ कर लेने का डबल काम लग गया। और ये इमली थी, इमली मेरे पास दो पैकेट में थी तो मैंने सोचा कि इसको कोई तो इसमें है ना, एक पैकेट वैसी की वैसी ही था मैंने यूज़ भी नहीं किया था और एक पैकेट ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने आया था, तो अभी
एक जो मेरे पास खाली बर्नी थी ना उसमें मैं डालकर ये रख दूंगी, सब एक जगह ही फिर रह जाएंगे, जब भी मेरे को लगेगा तब मैं यूज़ कर सकती हूँ। इसकी वजह से ना ये अभी मैं खाली बर्नी में ना निकाल कर भर दे रही हूँ, और ये बर्नी आराम से ना भर गई थी वो दो पैकेट से, मतलब एक ही पैकेट था और एक पैकेट में ज़रा सी थी। और अभी मैं आगे का मेरा काम, और ये देखो मेरी इमली की बर्नी रेडी है, और ये मेरा फ्रीज ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे मैं मलाई का डिब्बा रखती हूँ जो मलाई मैं रोज़ निकालती हूँ, यहाँ पे चीज़ वगैरह बट ये रहते हैं, पनीर वगैरह यहाँ पे सब ये ऐसे रहते हैं, सब्जी लहसुन वगैरह यहाँ पे एसेंस रखती हूँ, अंडे भी फिनिश हो गए हैं, वहाँ पे थोड़ा सा नारियल का खोबरा था, और ये देखो ये सब स्पाइसेस जो रहते हैं वो मेरे घर के बाहर के ये सॉसेस वगैरह सब, और नीचे का सेक्शन क्या खाली रहता है, एक दो सिर्फ दुआ का पानी रहता है। और अभी बाहर से भी मैं इसको क्लीन करके ले लूँगी, अभी सब क्लीनिंग हो गई, सिर्फ बाहर का डोर मेरा बाकी था, इसको भी कॉलिन से ना अच्छे से मैं पोंछ कर ले लूँगी। अच्छे से पोंछ कर ले लेने के बाद मेरा फ्रिज का पूरा क्लीनिंग डीप क्लीनिंग डन हो जाएगा, और इसके बाद में मैं फ्रेश हो जाऊंगी। तो मेरा फ्रिज का डीप क्लीनिंग आप लोगों को कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे ऐसी ही अच्छे अच्छे वीडियो आप तक आते रहें। और मेरा क्लीनिंग कैसा लगा, आप भी ऐसी ही डीप क्लीनिंग करना फ्रिज की। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, बाय, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।